सर इज्जत रख लेना, हमारी नौकरी का सवाल है। मैं यहाँ किसी का खून करने नहीं आया इंस्पेक्टर। स्वामी शरणम अय्यप्पा, तो फिर कोई डर नहीं। मेरे और इंदर सेठ के बीच एक छोटा सा बिजनेस डील करना है, ये उसको देना है और अपनी चीज लेना है, बस इतना ही। थैंक यू सर। शक है तो मैं दिखा दूं। सर एक मिनट रुको। मेरी इज्जत का सवाल है, ये सूट के साफ खोले, इससे पहले मैं एक छोटा सा डायलॉग बोलना चाहता हूँ। कैसा डायलॉग? ओपन द बॉक्स। ओपन द बॉक्स। थैंक यू सर। जूम करना। जूम नहीं हो रहा मालिक। ला मुझे दे। सोना है मालिक। लो, लौटूंगा तो वापस कर देना। सर्विस पिस्टल समझ के घुमा मत देना, 1.5 लाख की चीज है, उम्र भर नहीं चुका पाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, आप क्या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं साहब, और नहीं तो क्या। ध्यान रखना सर, ब्लैक कैट को नहीं ले जाएंगे। ब्लैक कैट नहीं है, दिखता नहीं है, व्हाइट कैट। व्हाइट कैट? तुम चुपचाप रहना, वो कुछ नहीं करेंगे। सर कितना अच्छा इंसान है। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। मैं तो इधर ही खड़ा हूँ। बताना चाहिए था ना। हेलो। हाय गाइस। वाकई तुम अब बहुत बड़े हो गए हो। इंदर सेठ ने भी काफी तरक्की कर ली, अच्छा सेटअप बना लिया। देखा, तमीज इसे कहते हैं, मुझसे कितनी इज्जत से बात कर रहा है, बाप का दर्जा दे रहा है। ये एक चाइना मेड है, कीमत ज्यादा है, काम में दम नहीं है। एक कुमार तो दूसरे को लगता है, वैसे ये लोकल सिक्योरिटी के लिए काफी है। तुम अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए कुछ नींबू पानी, पेप्सी या समोसा? कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो अंदर चले। तो अंडरवर्ल्ड के लोग खाते पीते नहीं? नहीं। मेरे बाप का कर्जा कितना है ब्याज के साथ? सही से 10,62,612 रुपया और 55 पैसा। बेटे तुम डायरेक्ट मेरे पास आए हो, इसलिए 10,62,612 रुपये 55 पैसे में से मैं 55 पैसे छोड़ता हूँ। मेरा नुकसान होता है तो हो लेने तो। अब बोलो तुम खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ, ये ले देख, इससे तेरा लाख का आंकड़ा पूरा हो जाएगा कि नहीं। बेटा तुम बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी ये चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है सोने के बारे में। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसकर देख लो। फिर घिसने से ही काम नहीं चलेगा। फिर अंदर चांदी है या सोना, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, कटिंग करना पड़ेगा, अच्छी तरह से कटिंग करना होगा। बेटा ठीक है, इसको ले जाके कटिंग करो। ये तो ओरिजिनल है। अब तो यकीन हो गया ना? नहीं, सब काटना पड़ेगा। जा। हिसाब किताब बराबर करने लायक सोना है ना? सच कहूँ तो बेटा, फिलहाल मैंने इतना ओरिजिनल सोना नहीं देखा है, ना मेरे पास है। ठीक कहा ना? यस सर। ठीक है ठीक है, हमारा हिसाब बराबर। ये लो। हाँ। इसकी क्या कीमत लगाओगे बताओ? मुझे रास्ते के खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए। काटना पड़ेगा। काट लो। अच्छी तरह काटना पड़ेगा। बेटे छोटा बॉबी, आते समय तू घर नहीं गया? वहां कौन है? माँ है। किसकी? हाँ डैडी एक काम करते हैं, आप इसमें जाइए, मैं बाद में आता हूँ, थोड़ा काम है। बेटा छोटा बॉबी, हाँ ये सब तेरे साथ आए हैं क्या? वो सब मेरे दोस्त हैं। तू इंदर को कुछ मत करना। ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, आप गाड़ी में बैठिए, आइए। Come on, boys.
डैडी तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? डैडी हम लोग 3-4 बच्चे पहाड़ जैसे होते हुए तुम हमसे एक बार नहीं पूछ सकते थे डैडी? बाप, ये बाप कैसा बाप है? मेरी माँ, तुम्हें और कोई नहीं मिला था क्या? मिला? तेरे बारे में तेरी माँ से अक्सर मेरा झगड़ा होता था। मुझे शक जरूर है तेरे चेहरे का ये हाव भाव और हंसी देखकर तू किसका है। मैं जानता हूँ, बाप से मुंह मत खुलवा बेटे। आपने क्या सोचकर उस चोर से इतना सारा सोना खरीद लिया? मैंने कार्ड के साथ देख लिया है। छील के देखा? डैडी इस वक्त मुंबई में डुप्लीकेट गोल्ड आया हुआ है, प्यूरिटी टेस्ट करके लेना चाहिए। तुम भी भैया जानते हो इन्होंने क्या किया? गिरना मत बेटा तेजा, हमारे ऊपर सारे स्टाफ खत्म हो गए थे ये तू ही कहता था, अब फिर से ये मुसीबत हमारे ऊपर कैसे आ गई, कहां से आई तू ही बता। ये सब उसकी मर्जी। क्या उसकी मर्जी? क्या कर रहा है? थूक रहा है नालायक। दिखने में सोना लगता है। लगता तो है, फिर भी तेरी बातों से मुझे शक होने लगा है। प्योरिटी टेस्ट कराना पड़ेगा क्या? ये कल होगा, प्योरिटी टेस्ट करने के लिए शहर जाना पड़ेगा, मुझे नींद आ रही है। वो भाग गया तो हुँ। क्या है? ये पानी बाहर निकालेगा? हर बात में जल्दबाजी करते हो ना भुक्तो। नहीं, ये क्यों गुंगा बना है? क्या मालूम। इसे क्या हुआ? अब पैसा वसूल हुआ। क्या हुआ बेटा? तू कहाँ से आ रहा है? मैं शहर से। तो फिर सोना कौन ले गया? तुम्हारा सोना तो मैं रहने। अरे मैं लुट गया, चोर चेहरा बदल कर आया था, मेरा पूरा सोना ले गया। अरे कोई बचा मुझे। अरे देड़ी, अरे कोई बचा। क्या हुआ डैडी? संभालो अपने आप को। क्या हुआ डैडी? डैडी तुम्हारा काम हो गया, इसमें सारा पैसा है। दुनिया को काटने वालों को काट दिया आज मैंने। ओ, वैसे भी उसे तो हलाल होना ही था। वैसे हम लोग निकलते हैं, रात का सफर है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? सेंटीमेंटल डायलॉग बोल के हमारा दिल मत दुखाओ। वापस कब आओगे? अभी ए, नहीं, तुम यहाँ आराम से जिंदगी गुजारो। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। बेटा पीटर, जो भी करना है जल्दी करना होगा। क्या कर सकते हैं? तेजा भाई और जॉनी को ले जाके उसको मारूं क्या? अरे ये सब तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर हम ये सब कर सकते थे तो तुम्हें क्यों बुलाते पीटर? मारा मारी करके हम उसे जीत नहीं सकते भाई। जीत भी गए तो जीत बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी होगी। लेकिन उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास है। सो वक्त का हमें इंतजार करना होगा। उसके पास जब तक कोई रास्ता ना बचे तब तक हमें इंतजार करना होगा। तब तक चलने दो चूहे बिल्ली का खेल, हम भी देखते हैं बिल्ली कब तक दौड़ लगाती है। मेरा 3.5 किलो सोना लेकर चूहा खेल रहा है, ये याद रखना बिल्लियों, समझे ना? ये अर्नोल्ड खानदान की पैतरेबाजी, वैसे थोड़ी बहुत तुम भी जानते होंगे ना। मेरा छोड़ो, मेरा बाप इसमें एक्सपर्ट था। तो आप नहीं जानते? जानता था, लेकिन अब क्या करें। Ha 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 ha